गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मुझे पता आप सोच रहे हो है तो गुड नाइट, लेकिन बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। नहीं, सुबह के बजे हैं 4:30 और हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं आगरा। हाँ, मेरे को पता था आगरा, लेकिन मैंने इसको जगाना था, ये सो रहा है, तो बीच बीच में तकलीफ इसको देनी पड़ती है, क्योंकि 10% अगर लेता है तो कुछ तो ये करे। और हम जाके एयरपोर्ट पे गरम गरम पियेंगे क्या चा। हाँ, या तो अपने आप कुछ ना कुछ बोलता रहे या मेरे को बुलवाना पड़ता है। सुबह 4 बजे हम उठे थे और शाम के 4 बज गए हैं, होटल के रूम में पहुंचे हैं। थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसे कहते हैं जन्नत के नजारे। क्या हुआ? मैं इतना भी खूबसूरत नहीं हूँ। अपने आप को समझ रहा, मैं कोई लगड़ बुद्धे के जन्नत के नजारे बोल रहा हूँ। राठौर साहब, बहुत बढ़िया खाना और थैंक यू, जगह बहुत मजा आएगा। अरे वेलकम दे, वेलकम दे। तो बहुत ही मजा आया हमें यहाँ आकर। क्या बात है, क्या बात है, मतलब ऐसी जगह हमने कभी नहीं देखी। भैया बताओ ये क्या जगह है, क्या नाम है? ये राजस्थान का एक छोटा सा जिला है, धौलपुर। अच्छा। हाँ जी, आगरा से 60 किलोमीटर है, ग्वालियर और आगरा के बीच में है। अच्छा, नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ये महल है जो आगे आपको दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा। ये 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलकम में धौलपुर के राजा ने, निहाल सिंह ने बनवाया था। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा घमंड करना चाहिए, आ रहा होगा घमंड करना चाहिए ना, आप महल वाले हैं, राजा हैं आप, धौलपुर के राजा हैं आज के लिए आप। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी खूबसूरत जगह पर आ सकता है। कभी ऐसे सपने तेरे को आते हैं? ऐसे सपने आने के लिए पहले इमेजिन तो करना चाहिए ना ऐसी जगह। मैंने कभी ऐसी जगह देखी नहीं आज। अच्छा, तो मैंने कौन सी देखी, मैं भी तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तू चाहे अपने 10% के लालच के चक्कर में सही, लेकिन शो तो लाता है ऐसे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे शो लाया कर, कम से कम ब्लॉग तो अच्छे बने। ये 150 साल पुराना महल है। मैंने सुना है यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ पे काफी शूटिंग्स हुई है ऐसा। यहाँ पे एक सॉन्ग कह रहे हैं, वो तेरे ड्रीम है मेरी एंट्री, वैसा एक सॉन्ग है। एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है। तो आप सोच रहे हो भी इतना बेसुरा क्यों गा रहा है, इसको बजा के गा ले। ये मेरे से भी बेसुरा, ये देखिए। ये 150 साल पुराना है, मैं 300 साल। जी मामा, क्या बात है। बाई फार मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट होटल मैंने कहीं पे स्टे किया है, या सबसे खूबसूरत जगह मैंने जो देखी है वो ये है राज। मैंने स्टे नहीं किया, मतलब सुदेश जी के साथ आया हूँ। और दिस इज व्हाट 150-year-old पैलेस लुक्स लाइक, सो ब्यूटीफुल। अभी भी बोल देना कि होटल 150, मेरे को ना लोग सोचे 150 old। दिस इज अ पैलेस विच इज 150-year-old और इतना खूबसूरत है। खाली एक यहाँ से सब पैन करो, यहाँ पे ऐसा है कि बस सुकून से खड़े रहो, यू आर इन द लैप ऑफ नेचर।
हम रोज कहते रहते हैं वंस मोर आज पहली बार देखे हैं वंस क्या थ्री मोर्स ये देखिए क्या बात है। तो खुशबू जी बहुत अच्छा लगा आपसे और मैं भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी धौलपुर की ऑडियंस को बहुत पसंद आया और पूरा धौलपुर का सौभाग्य कि आप आए और अगली बार हम फिर आपको बुलाएंगे और इसी तरह माहौल फिर जमाएंगे। थैंक यू सो मच।